गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे पास दो थ्योरम आएंगी, एक तो आएगी बेस थ्योरम और एक आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले उसके लिए डेफिनेशन आ रही है पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस। अ सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, EN इज सेट टू रिप्रेजेंट अ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस इफ़ EI इंटरसेक्शन EJ फाई, यानी इनमें इंटरसेक्शन, चाहे कोई भी दो इवेंट लें, इंटरसेक्शन उनकी फाई होनी चाहिए, यानी म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। एंड वी कम्बाइन व्हेन ऑल ऑफ इवेंट्स, देन इट बिकम्स सैम्पल स्पेस। यूनियन ऑफ ऑल ऑफ इवेंट्स इज बिकम्स अ सैम्पल स्पेस। पी ऑफ EI इज ग्रेटर दैन 0 मीन्स नॉन नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स, द इवेंट्स E1, E2, EN रिप्रेजेंट द पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस इफ दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज मीन्स E1, E2, E2, E3 एंड सो ऑन। डिसजॉइंट, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मीन्स टोटल यूनियन इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। हैव नोन जीरो प्रोबेबिलिटीज, दैट इज ग्रेटर दैन 0, देन दिस इज अ पार्टीशन। नेक्स्ट थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से फिर बेस थ्योरम पे आएंगे। E1, E2, EN भी पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस एस, एंड सपोज दैट ईच ऑफ द इवेंट्स E1 टू EN हैज़ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्करेंस। किसी की भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, ये पार्टीशन है। पार्टीशन में क्या क्या कंडीशन थी हमारे पास? एक तो पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, यूनियन करें तो सैम्पल स्पेस की इक्वल आए, और जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। ए भी यानी इवेंट एसोसिएटेड विद एस। तो पी ऑफ ए क्या हो जाता है? पी ऑफ E1 E1 प्लस E2 E2 प्लस E3 E3 एंड सो ऑन। यानी जितनी भी इवेंट्स होंगी, अगर 2 होंगी तो यहाँ स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, 3 होंगी तो नेक्स्ट पे हो जाएगी, 4 होंगी तो नेक्स्ट पे। तो पहले E1, फिर E1, फिर E2 E2 E3 E3 एंड सो ऑन। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इस पर बेस्ड है हमारी बेस थ्योरम। इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इफ़ E1, E2, EN आर एन नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस एस, दैट इज E1 टू EN आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, यूनियन इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस, एंड ए इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, देन पी ऑफ EI बाई ए। तो यहाँ ए की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, यहाँ पर बेस थ्योरम में हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सपोज आप रेड और ब्लैक बॉल का बॉक्स लेते हो, और दूसरे में है, यहाँ सपोज आपके पास 2 हैं और 3 हैं, यहाँ रेड 4 हैं और ब्लैक 5 हैं, तो 2 बैग हो गए। यहाँ पर रेड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी के बजाय हम बैग्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि फर्स्ट बैग में से ये बॉल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पी ऑफ EI बाय ए ऊपर आ जाएगा। जिसकी भी आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, सपोज़ E1 की निकाल रहे हैं, E1 बाय ए हो जाएगा पी ऑफ E1 ए बाय E1। नीचे आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, मींस E1 ए बाय E1 प्लस पी ऑफ E2 ए बाय E2, जितनी भी इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एन अन कंटेन्स 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नॉटेड। 5 रेड 5 ब्लैक, टोटल हो गई आपकी 10 बॉल्स। एक बॉल इज ड्रॉन एंड कलर इज नॉटेड, रिटर्न टू द अन। एक बॉल निकाली और फिर इसको वापस डाल दिया। मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अन। यानी अगर रेड निकाली है, वापस डाल दी, तो 2 और बॉल डालनी है सेम रेड कलर की। इसी तरह अगर ब्लैक निकाली है, ब्लैक को वापस पुट अप किया, देन यू हैव टू ऐड 2 मोर ब्लैक बॉल्स इन द बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, आपको ये बताना है। पुट अप करने के बाद देन अ बॉल इज ड्रॉन, तो उसके बाद जो बॉल निकाली गई सेकेंड टाइम वो क्या होनी चाहिए? बॉल रेड होनी चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो हमारे पास बैग में है 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स। E1 मान लिया हमने, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। E2 मान लिया, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, क्योंकि फर्स्ट का हमें नहीं पता। उसने कहा है बॉल इज ड्रॉन एंड इट्स कलर इज नॉटेड, वी डोंट नो अबाउट इट्स कलर, सो लेट E1 बी द इवेंट दैट इट इज़ रेड एंड E2 बी द इवेंट दैट इट इज़ ब्लैक। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5 बाई 10 5 है, ब्लैक भी 5 है, तो ब्लैक की भी हो जाएगी 5 बाई 10। टोटल कितनी बॉल्स हैं? 10। नेक्स्ट जो फाइंड आउट करना है वो है सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। तो ये एक निकालने के बाद वापस डाली, तो जो सेकंड बॉल निकाली वो रेड होनी चाहिए, ये माना हमने।
नाउ टू एडिशनल पोल इज़ पुट इन द आन. फर्स्ट ले रहे हैं ए बाई ईवन. ए का मतलब है सेकेंड इज़ रेड. ईवन का मतलब क्या है? फर्स्ट बॉल इज़ रेड. फर्स्ट बॉल रेड निकाली थी, अब सेकेंड भी रेड निकाली है. तो फर्स्ट अगर रेड निकाल के वापस पुटअप की, तो उसके बाद उसने कहा दो और रेड बॉल उसमें ऐड कर दी गई. तो अब फिर आप क्या निकाल रहे हैं? एक यानी रेड बॉल. तो रेड कितनी हो गई? सेवन. टोटल कितनी हो गई? ट्वेल्व. अब ये केस फिनिश हो गया. सेकेंड आ रहा है ए बाई ई टू. ए का मतलब क्या है? सेकेंड ड्रॉन बॉल इज़ रेड. सेकेंड रेड निकाल रहे हैं. ई टू का मतलब क्या है? फर्स्ट आपने ब्लैक निकाली थी, यानी फर्स्ट आपने ब्लैक निकाल कर पुटअप की और उसके बाद दो और ब्लैक बॉल डाल दी. आप निकाल कौन सी रहे हैं? इवेंट ई यानी रेड बॉल. तो रेड कितनी है? फाइव. टोटल कितनी हो गई ये? ट्वेल्व. तो फाइव बाई ट्वेल्व. तो आप बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए वी हैव टू फाइंड. पी ऑफ ए क्या था हमारे पास? पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ए बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए बाई ई टू. तो पी ऑफ ई वन फाइव बाई टेन, पी ऑफ ई टू फाइव बाई टेन, ए बाई ई वन सेवन बाई ट्वेल्व और ए बाई ई टू कितना? फाइव बाई ट्वेल्व. सिंपल कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ए बैग कंटेन्स फोर रेड फोर ब्लैक, अनदर बैग कंटेन्स टू रेड सिक्स ब्लैक. वन ऑफ टू बैग इज़ सेलेक्टेड. दोनों में से कोई भी बैग सेलेक्ट हो सकता है. वी डोंट नो अबाउट विच बैग इज सेलेक्टेड. सो लेट इवन दैट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, ई टू दैट सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड. दोनों में से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ हाफ, वन बाई टू. नेक्स्ट क्या कह रहा है? वन ऑफ द टू बैग इज सेलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड. दोनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट किया और बॉल निकाली रेड कलर की थी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. तो फोर थिंग्स वी हैव टू फाइंड. फर्स्ट ईवन, ई टू एंड ए बाई ईवन, ए बाई ई टू. तो ईवन है, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड. ई टू है, सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ ऑफ. इक्वल चांसेस हैं, कोई भी सिलेक्शन हो सकती है. ए क्या है? जो बॉल आपको निकालनी है वो है रेड कलर की. रेड बॉल इज ड्रॉन. ए बाई ईवन का मतलब क्या है? रेड बॉल निकालनी है. ईवन का मतलब है फ्रॉम द फर्स्ट बैग. फर्स्ट बैग में रेड कितनी है? फोर. टोटल कितनी है? एट. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फोर बाई एट. ए बाई ई टू का मतलब क्या है? ए मीन्स रेड बॉल यू हैव टू फाइंड एंड ई टू मीन्स फ्रॉम द सेकेंड बैग. तो फ्रॉम द सेकेंड बैग वी हैव रेड बॉल्स टू. टोटल आर सिक्स प्लस टू एट. तो प्रोबेबिलिटी इज टू बाई एट. तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मीन्स यू हैव टू फाइंड इवन बाय ए. ये बेस थ्योरम कैसे पता लगा? यहाँ पर बेस थ्योरम लगेगी क्योंकि यहाँ इवेंट की, बैग की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो इवन बाय ए क्या फॉर्मूला था हमारे पास? पी ऑफ इवन, ए बाय इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी न्यूमिरेटर में और नीचे आ जाएगी टोटल. इवन ए बाई इवन प्लस ई टू ए बाई ई टू, दो ही इवेंट है. तो इवन और ई टू और ए बाई वन, ए बाई टू, इन सब की वैल्यूज़ हैं हमारे पास. सिंपल पुट करनी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड. ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 40% आर डे स्कॉलर्स. तो हॉस्टल में है 60% और डे स्कॉलर्स हैं 40%. प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट शोज दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड. हॉस्टलर ने 30% ए ग्रेड ली. डे स्कॉलर में 20% ने ए ग्रेड ली. एट द एंड ऑफ ईयर वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड हैज़ एन ए ग्रेड. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ हॉस्टलर? आपको ये बताना है कि ये हॉस्टलर ही होगा जिसको ए ग्रेड मिली. सो लेट इवन बी द इवेंट दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज़ हॉस्टलर, सेकेंड इज डे स्कॉलर. तो इवन कितने थे? हॉस्टलर थे 60%, डे स्कॉलर थे 40%. 40/100 ए ग्रेड मिली. तो हॉस्टलर को ए ग्रेड मिली है वो कितने थे? आपके 30%. और डे स्कॉलर को ए ग्रेड मिली वो है 20%. तो ए बाई इवन, ए बाई ई टू. ए मीन्स ए ग्रेड मिली जिन स्टूडेंट्स को, इवन मीन्स हॉस्टलर थे, ए ग्रेड मिली जो डे स्कॉलर थे 20/100. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर मीन्स इवन बाय ए. वी हैव टू फाइंड इवन बाय ए, दैट इज इवन ए बाई ईवन, पी ऑफ ई वन ए बाई ईवन प्लस पी ऑफ ई टू ए बाई ई टू. वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दिस वन. नेक्स्ट है फोर्थ वन.
इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन एम सी क्यू स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेज. दो ऑप्शन है, या तो उसे आंसर पता है या वो गैस करेगा. 3/4 भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज नोज द आंसर, उसको आंसर पता है इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4 एंड 1/4 ही गैसेज और वो गैस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. तो लेट इवन बी द इवेंट दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, ई टू बी द इवेंट दैट स्टूडेंट गैसेज द आंसर. पी ऑफ इवन दे रखा है 3/4, पी ऑफ ई टू दे रखा है 1/4. नेक्स्ट क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट वो गैसेज द आंसर विल करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4. वो गैस कर रहा है और उसका आंसर करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली. तो ए क्या मानेंगे, दैट आंसर इज करेक्ट. लेट ए बी द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट, तो ए बाई इवन बन जाएगा. ए मीन्स आंसर इज करेक्ट, इवन मीन्स स्टूडेंट नोज द आंसर. स्टूडेंट को आंसर पता है और आंसर करेक्ट है तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 1, क्योंकि उसे पता है कि आंसर यही है, वो सिंगल सीधा उसी को ही पिक करेगा. ए बाई ई टू मीन्स आंसर इज करेक्ट एंड ही गैसेज, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है 1/4 दैट ही गैस एंड आंसर विल बी करेक्ट. Answer will be correct and he guesses is 1/4. It is given. What we have to find? We have to find that he knows the answer and given that he it is correct. Knows the answer means you have to find the probability of even. Even by A. Even by A क्या हो जाएगा? Even A by even upon P of even A by even plus P of E2 A by E2. Next, fifth one. Laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact. अगर 99% डिटेक्ट सही करती है, इनफेक्ट मीन्स अगर उसे सच में डिसीज है तो. नेक्स्ट है, हाउ आर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन. हेल्दी पर्सन की गलत पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस है 0.5%. That is 0.05. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has a disease given that it is its his test result is positive? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, even और E2 event माननी है. Even means person has disease, E2 means person has not disease. तो 0.1% of the population actually has the disease. तो disease की कितने हैं, 0.1% that is 1/1000. जिनको disease नहीं है वो कितने हो जाएंगे, total -1/1000 that is 999/1000. तो ये गिवन था आपको 0.1% को डिसीज है. अब हम मानते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट टेस्ट इज पॉजिटिव. तो ए बाई इवन क्या बनेगा, ए मीन्स टेस्ट पॉजिटिव, इवन मीन्स पर्सन हैज एक्चुअली डिसीज. पर्सन को डिसीज है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो ये 99% उसने कहा था कि पर्सन को डिसीज है इनफेक्ट में और उसका डिटेक्ट हो गया है, तो ये हो गई 99%. 99/100 दैट पर्सन रिपोर्ट इज पॉजिटिव एंड एक्चुअली हैज़ अ डिसीज. ए बाई ई टू में क्या बनेगा आपका, पर्सन की रिजल्ट तो पॉजिटिव है ई टू मीन्स, पर उसको डिसीज नहीं है, तो 0.5% है जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/1000, 0.5%. वट वी हैव टू फाइंड दैट वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज़ डिसीज गिवन दैट इट्स रिजल्ट इज पॉजिटिव. रिजल्ट पॉजिटिव है और उसको एक्चुअली में डिसीज है, एक्चुअली में डिसीज है, तो यू हैव टू फाइंड पी ऑफ इवन बाय ई. पी ऑफ इवन ए बाय इवन प्लस पी ऑफ ई टू ए बाय ई टू, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी और ऊपर आ जाएगा पी ऑफ इवन ए बाय इवन. इसी तरह सेम आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें भी 75% दे रखा है, 3 कॉइन के अकॉर्डिंग है, ये आपको ट्राई करेंगे. सेवन्थ क्वेश्चन, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.013 एंड 0.15. वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर. तो स्कूटर ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर हैं और ट्रक ड्राइवर हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2, 4, 6.
2000 प्लस 4000 प्लस 6000 दैट इज 12000 टोटल पीपल है 12000। इवन माना हमने इन शॉर्ट पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर, E2 माना हमने कार ड्राइवर और E3 माना हमने ट्रक ड्राइवर। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्कूटर ड्राइवर है 2000, टोटल कितने हैं 12, 2000 बाय 12000 1/6। नेक्स्ट हमने माना कार ड्राइवर, कार ड्राइवर है 4000, टोटल है 12, 4/12। इसी तरह ट्रक ड्राइवर है 6000 और टोटल है 12000, 6000 बाय 12000 दैट इज 1/2। ए इवेंट क्या मानी, इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट होता है। इसने तीन प्रोबेबिलिटी दे रखी है, स्कूटर ड्राइवर की भी दे रखी है, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर तीनों की दे रखी है। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर 0.01, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड कार ड्राइवर, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ट्रक ड्राइवर। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दे रखी है। बट वी हैव टू फाइंड दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर मीन्स वी हैव टू फाइंड पी ऑफ ईवन बाई ई। तो पी ऑफ ईवन बाई ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ईवन ए बाई ईवन, पी ऑफ ईवन ए बाई ईवन प्लस ई टू ए बाई ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू ए बाई ई थ्री। ऑल वैल्यूज आर गिवन हेयर, वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। तो ये थे क्वेश्चन अप टू 7th। थैंक यू।